लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का प्रचार प्रसार शुक्रवार को थम गया। सिर्फ अब डोर टू डोर जनसंपर्क ही हो सकेगा। वहीं 19 मई को मतदान के महापर्व में देश की जनता अपने मतदान का उपयोग करेगी। लोकसभा चुनाव का शोरगुल शुक्रवार शाम को थम गया। अब बस उम्मीद डोर टू डोर जनसंपर्क करने की है। चुनाव को लेकर वैसे तो ज्यादा जोर किसी भी पार्टी ने नहीं लगाया, वहीं मतदाताओं में भी खासा उत्साह नहीं दिखा। शांति से पूरे प्रचार का दौर संपन्न हो गया। अब 19 मई का इंतजार है, जिस दिन मतदान होगा। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद अब तक चुनावी रंगत वैसे नहीं जम पाई जैसी जमना चाहिए थी। पूरे चुनाव प्रसार की बात करें तो कार्यकर्ताओं में उत्साह ना तो कांग्रेस भर पाई और ना ही भाजपा। कांग्रेस और भाजपा दोनों उम्मीदवारों ने स्थानीय मुद्दों पर बात ही नहीं की और अन्य मुद्दों पर बात करते रहे। कांग्रेस ने मिनिमम इनकम को इशू बनाया तो भाजपा ने राष्ट्रवाद को। चुनाव प्रसार के दौरान कांग्रेस भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए तो उन्होंने भी चुनावी वादे केंद्रीय मुद्दों पर सीमित रखे, स्थानीय मुद्दों पर बोले ही नहीं। चुनाव प्रचार शुक्रवार शाम 5 बजे थम गया और बस घर घर जाकर ही जनसंपर्क कर पाएंगे। भाजपा और कांग्रेस के दोनों उम्मीदवारों को करीब 1.5 महीने का समय मिला था। इस समय में वे चुनाव का वैसा माहौल नहीं बना पाए जैसा बनाना चाहिए था। अब 19 मई को मतदान होगा और मतदाता अपने मत का उपयोग करेंगे।